हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है आयतन और उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पार्ट नंबर 6 पे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, देखिए। बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास आपको दे रखा है कितना, 35 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई दे रखी है आपको 1.2 मीटर। इसकी दीवारों की मोटाई की अपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना हमें, तो क्या होगा बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है आपके पास, अगर हम बात करें तो 2πr(h). 2 है, पाई हमें पता है, आर नहीं व्यास पता है, तो व्यास का आधा कर लेंगे तो आर मतलब त्रिज्या आ जाएगी 17.5, और एच हमको पता है 1.2 मीटर। ये मीटर में है, ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं देख सकता हूँ ये और ये डेसिमल हटेगा, तो ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल होने के लिए कुछ है तो वो भी देख लेते हैं, तो 7 से ये चला जाएगा आपके कितना, 25 टाइम्स। चलिए 25 का 2 से कर लेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 50 का हम कर लेते हैं किससे, 12 से, तो 12 × 5 कितना, 60, तो 600 हो जाएगा, फिर 22 का 600 से गुणा करना बाकी ही रहेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 6 का 2 से 12, 12 और एक फिर से करेंगे तो 13, 200 अगर मैं देखूं तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6060 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, देखिए। एक बेलनाकार खंभे के एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और इसका आयतन दे रखा है, और आपको पूछा है खंभे की ऊंचाई क्या होगी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, 2πr(h), और आयतन हमें पता है कितना होता है, πr²(h). तो यहाँ पर रेशियो अगर ले लें तो किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी और वो होगी उसकी रेडियस, लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें निकालनी है उसकी ऊंचाई, तो r निकलेगी, तो इसमें r का मान या इसमें r का मान रखेंगे तो h भी निकल जाएगा। कैंसिल होने के लिए पाई से पाई है, अभी हमारे पास 1h से 1h है और 1r से 1r है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये चला गया 2, ये 6 और ये 4, फिर 264 से इसको कैंसिल कर लूँ तो एक बार तो जाएगा ही, फिर 64 है, 77 है, तो 13 बचेगा, तो 132 होगा जो कि इसका आधा है, तो इसका मतलब 10.5 टाइम्स ये चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर की वैल्यू आ गई 10.5, तो जो ये आर की वैल्यू आई है, आप चाहें तो इसमें रख लें और आप चाहें तो इसमें रख लें, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो हम इसको रख लेते हैं किस में, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, जो कि होता है 2πr(h), और वो बराबर है 528 के, तो बस यहाँ से h की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली ये नीचे 10 बन जाएगा, कैंसिल होने के लिए 22 से उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कि 2 × 44 हो गया, फिर रह गया 6 और उधर 2 8, तो 88, तो 22 से 88 4 टाइम्स चला जाएगा, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो बिल्कुल हम इसको कर लेते हैं, ये हो गया 12, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो हम देखें यहाँ पर, तो कैंसिल होने के लिए अगर इसको 7 से करें तो 7 से ये 1 टाइम जा रहा है, फिर ये कितना होगा 35, तो ये 5 × 15 हो गया, फिर अगर हम देखें तो ये 2 हो गया, ठीक है, और अगर आप इसको करोगे तो ये 3 हो गया, फिर ये हो गया कितना 4, तो हमें क्या निकालना है h, तो h की वैल्यू हमारे सामने आ रही है 4 × 2, जो कि कितनी है 8, और हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बात करते हैं नेक्स्ट 61 के बारे में। क्या कह रहा है 61, देखिए। एक ठोस बेलन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। सारी की सारी इकाइयां सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 231, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, ये होता है 2πr(r+h), क्योंकि 2πr(h) वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, और 2πr² फ्लैट सरफेस एरिया समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, तो फिर इसको ऐसे कॉमन लेकर नहीं, ऐसे लिखते हैं 2πr² + 2πr(h). तो आपको कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, तो 231 तो संपूर्ण पृष्ठ का है ही, इसका 2/3 हम देख लेते हैं कितना होता है, तो 3 से ये गया 7 टाइम्स 21,
फिर ये कितना हुआ 2, तो फिर से 7 टाइम्स, तो ये आ गया 7 × 2 = 14, फिर से 14 और 1 = 15, तो ये आपको एरिया दे रखा है वक्र पृष्ठ का, जो कि होता है 2πr × h। ठीक है, यहां तक 2πr × h आपको दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, जो कि हम सीधी लिख लेते हैं, जो कि आ रहा है 231 प्लस में आपके ये चल रहा है 2π, आपको पता है, और r आपको यहां पर निकाल के बतानी है, तो 154 उधर जाकर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 154 उधर जाकर लेस हो रहा है तो कर लेते हैं, तो ये 2πr² 154 231 में से लेस करेंगे तो ये 6 करेंगे तो ये 60 हो गया, तो ये 46 और ये 70 हो गया, 6 और 1 = 7 हो गया, तो ये 77 हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर कैंसिल होने के लिए, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है 11 से, ये 7 टाइम्स जा रहा है, और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है, r की वैल्यू निकल जाएगी, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 2 × 2 नीचे 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा रेडियस की वैल्यू। अब रेडियस आ चुकी है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है हमें पता है, आयतन होता है πr² × h, यही होता है। तो वैल्यू हमको चाहिए r और h दोनों की, तो r की वैल्यू तो आ चुकी है, तो h की वैल्यू भी आ जाएगी, या फिर अगर वैल्यू रखना चाहे पाई h की, तो वहां से देख पा रहा हूं मैं कितनी आ जाएगी पाई h की वैल्यू, पाई r h की वैल्यू वहीं से ले लेते हैं वैल्यू, अगर हम चाहें तो ये हमें निकालना है, तो पाई इंटू आर इंटू एच इंटू आर, यही तो निकालना है, तो पाई आर एच यहां से मैं देख सकता हूं कितना आ रहा है, पाई आर एच आ रहा है 2 इधर चला जाएगा, तो 154/2 के बराबर, तो पाई आर एच को लिख लेते हैं 154/2, और आर हमने अभी अभी निकाला है, जो कि ये रहा कितना है 7/2। चलिए इसी से कर लेते हैं, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल है, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं इसको, 2 से ये कैंसिल हो रहा है कितना 7 टाइम्स, फिर ये हो गया तो कितना हो गया फिर से 7 टाइम्स, तो 77/2 करना है, तो कितना आ जाएगा 7 का, अगर देखें ये हो जाएगा 77, 7 का 7 तो 7 ही गुण 50, फिर से गुण 50, और अगर हम देखें तो कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना 53/2, तो 9 है तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो हम देखें तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 से चला गया 2 टाइम्स, फिर 13 तो 6 टाइम्स, फिर 19 तो 8 टाइम्स, और फिर ये 0.5, तो 8.5 अगर हम देखें तो 8.5 है, 2 से ये गया 2, ये 16, फिर ये 19, तो 2 9 होगा यहाँ पर 18, और 9.5 अगर हम देखें तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात आपके पास 1:2 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2πr × h, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है πr² × h। ठीक है, प्लस अच्छा संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है 2πr r + h, ये रेशियो में 1:2 गिवन है, तो मैं कैंसिल करने के लिए तो 2π से 2πr कैंसिल कर सकता हूं, h/r + h हमारे पास बच रहा है। आपको कह रहा है अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं एक तरह से 616 जो है कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 की, तो 2 की वैल्यू अगर 616 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 308, तो 1 यूनिट जो है वो किसके लिए है वक्र पृष्ठ के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि 2πr × h जो है वो कितना है 308 है, यही बात हुई एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2πr × h की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है πr² × h, πr² × h, तो πr² की वैल्यू तो मिल जाएगी, पर r अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, या r को h की फॉर्म में देख लें तो कितना हो जाएगा, ये 2h, ये r प्लस h, तो r बराबर 2h माइनस h, तो h दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 2h बराबर r प्लस h, इधर आ गया तो h बराबर r, जितनी हाइट है उतनी रेडियस होगी,
तो पाई आर एच की वैल्यू अगर हम देखें तो पाई आर एच की वैल्यू तो वहां से मिल जाएगी हमें, पाई आर एच की वैल्यू 308/2 मिल रही है, लेकिन एक आर और चाहिए, तो इसकी वैल्यू चलिए फिर निकालते हैं यहीं से, ये आपको दे रखा है, तो 2 पाई आर और एच बराबर है, तो आर इंटू आर हो गया एक तरह से, तो 308, ये गया 11 से 2 टाइम्स, ये गया 11 से आपके 2 टाइम्स, फिर ये 8 है तो 8 टाइम्स, फिर ये कितना हो गया 4 से ये चला गया कितना 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 मतलब 49, तो आर आ गया 7, आर भी 7 है और एच भी 7 है, तो निकालना क्या अब आपको ये, तो ये लीजिए वैल्यू निकल जाएगी इसकी कितनी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 7 से 7 गया, 7 × 7 49 होता है, 22 का 49 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 का 2 से 18 पीछे 8 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, कोई भी हो सकता है, तो गुणा करके ही देख लेते हैं, तो 22 × 49, 9 का 2 से 18, फिर 9 का 2 से 18 और 4 का 2 से 8, तो 26 हो गया, 27 हो गया, 2 हो गया, 2 और 4 का कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो गया, 1078 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 के बारे में, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीट पीट कर कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार बनाई गई, ठीक है, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, तो मैं देख सकता हूं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को, तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा जो तार बन रही है उसके वॉल्यूम मतलब आयतन के, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले का अगर मैं आयतन देखूं तो क्या होगा, पाई क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा किसके, जो हम एक लोहे की तार बना रहे हैं उसके, और वो तार की आपको व्यास दे रखी है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी मतलब 0.1, और आपको क्या पूछ रहा है तार की लंबाई मतलब तार बनेगा तो एक बेलनाकार आकृति बन रही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वही एच हमें निकालनी है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4/3, 3 का क्यूब हमें पता है 27, ठीक है, ये हो गया 0.1 और 0.1, और ये तीनों हटेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है नीचे 1000 लगेगा, 3 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 9 बार, ठीक है, 9 का 4 से कर लेंगे 36, हमें निकालना क्या है वैसे यहां पर h जो कि ये यहां पर है, ये हो गया 36, ये आ जाएगा 1000 इधर, 111 तो हम छोड़ ही सकते हैं, 3600 आ रहा हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर में कह रहा है तो मीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो मीटर में लेकर आ जाते हैं, अच्छा पाई आर स्क्वायर ही था ना, तीन बार कैसे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर ही है तो पाई आर स्क्वायर है तो दो बार ही आएगा तो जीरो भी दो ही आएंगे तो 3600 आ जाएगा जो कि 36 में बदल जाएगा, ठीक है, तो 3600 सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर में लेना है तो 36 मीटर मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 उसके बारे में, क्या कह रहा है 64 देखिए, एक तार को पिघलाकर एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, एक तार को पिघलाया है इसका मतलब तार क्या है बेलन, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर होगा किसके, एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, वापस तार ही बन रहा है तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वो एच हमें बतानी है, ठीक है, तो ये एच अलग है, ठीक है, अब आयतन आपका कह रहा है कि त्रिज्या क्या, एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाई, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है उसका 1/3 ये है, तो इसका मतलब आर बाई टी का स्क्वायर, ये एच मान लेते हैं, अलग एच है कैपिटल एच, वो हमें बतानी है कि कितने गुना हो जाएगी, अच्छा एच कितने गुना होगी यही बतानी है, ठीक है, तो कैंसिल होने के लिए अगर हम देखें तो यहां पर एक तार को पिघलाया, एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाई, तो समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी वो हमें देखनी है, देखते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर चला जाएगा, फिर ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इधर आएगा, तो 9h इज इक्वल्स टू कैपिटल H, तो नए वाले तार की जो हाइट है वो पुराने वाले की कितनी है 9 टाइम्स, तो 9 गुनी मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। 65 क्या कह रहा है देखिए, 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए जिससे कि एक ठोस गोला बने, तो इन सिक्कों को पिघला रहे हैं तो सिक्के के लिए हमें पता है शेप कौन सी होती है बेलनाकार, तो इसके लिए अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 1.5 का हाफ करेंगे तब आपकी क्या आएगी रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
ये बराबर होगा किसके, जो ठोस बेलन बनाया जा रहा है उसके, जिसका व्यास है ये और ऊंचाई है ये। तो आपको क्या पूछ रहा है, जिससे एक ठोस बेलन बनाया गया तो वो सिक्कों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कि कितनी है, एन। ये बराबर हो गया कुल वॉल्यूम किसके, जो नया ठोस बेलन बन रहा है उसका, और उसका होता है पाई आर स्क्वायर। आर है कितना यहाँ पर, 4.5 डायमीटर है, व्यास है तो उसका आधा, और एच कितना आपके पास, 10। सेंटीमीटर में ही है सब कुछ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैंसिल होने के लिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के लिए अगर देखें तो ये हटेगा तो डेफिनेटली नीचे ये बनेगा, तो ये कैंसिल हो गया 5। ये हटेगा तो ये अंदर ही बनेगा, अंदर ही ये कैंसिल हो रहा है किससे, 5 से 9 और 5 से ये 4। ये हटेगा तो अंदर ही ये बनेगा, तो अंदर ही ये कैंसिल हो रहा है 5 से 3 और ये 5 से 4। तो ये n आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 1/5 आ गया। उधर देखें तो 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये 10 आ गया। तो कैंसिल करने के लिए इसको मैं कर सकता हूँ 9 बार, कैंसिल करने के लिए ये चला गया, कैंसिल होने के लिए और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा, तो ठीक है फिर आंसर आ रहा है 9 का 5 से 45 और 10 से 450, 450 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66, देखिए, एक ठोस बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग कितना हमारे पास, 37 मीटर। आधार की त्रिज्या मतलब आर और ऊंचाई मतलब एच, इनका योग दे रखा है आपको 37 मीटर, ठीक है, ऑप्शन भी मीटर में ही है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो हमें पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, r प्लस एच जो कि दे रखा है 1628, तो हमें पता है 2 तो 2 ही है, पाई 22/7 होता है, r यहां से मैं निकाल सकता हूं, और r प्लस एच मेरे पास है 37, तो 1628, ठीक है। कैंसिल होने के लिए कुछ है तो कैंसिल करके देखते, तो ये अगर मैं देखूं तो 11 से 2 टाइम्स जा रहा है, 11 से ये गया 1 टाइम, फिर कितना होगा ये 5, तो 52 होगा, तो ये जाएगा कितना 4 टाइम्स, फिर कितना बचेगा आपके 8, तो ये 8 टाइम्स, ठीक है। फिर अगर हम इसको देखें तो कैंसिल कर सकते हो, तो 4 बार देखें तो 28 और ये चला गया 4 बार, क्योंकि 30 का 4 से 120 और 7 का 4 से 28, तो 120 और 28 148 सही है, तो 2 × 2 ये 4 से 4 चला गया, रेडियस आ गई आपके पास 7। आपको पूछा जा रहा है उसका वॉल्यूम जो कि होता है क्या, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर हमने निकाली 7 उसका स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे पास नहीं है वो हम निकाल लेते हैं अभी, कैसे, ये रही आर आ गई कितनी 7, तो रख दो यहां पर एच भी आ जाएगी, तो एच आ गई कितनी 30, तो ये लीजिए 30, कैंसिल हो गया, ये हो गया 22, 7 का 3 से 21 और ये 210, तो 21 का 22 से गुणा करना, तो 21 का अगर वर्क करें तो 441 होता है, उसमें 21 और जोड़ दो तो ये आ गया गुणा 462 और 0 लग जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, थैंक यू सो मच। Like, share, subscribe, digital तैयारी।